हम लोग या ये कहें कि हम सभी मंडी में जाकर आलू जरूर खरीदते होंगे और खासकर पहाड़ी आलू की डिमांड तो हर घर में होती है और घर में जो सुबह सुबह पराठे बनते हैं वे इन्हीं आलुओं के साथ बनाए जाते हैं। लेकिन हम आपको एक हैरान कर देने वाली खबर दिखाने जा रहे हैं कि इन आलू को कैसे पहाड़ी आलू बनाया जाता है। और ये खबर कहीं और की नहीं बल्कि चंडीगढ़ से ही सामने आई है, जहां चंडीगढ़ की ही सबसे बड़ी सेक्टर 26 की मंडी में इन आलूओं को पहाड़ी आलू बनाया जा रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि कैसे टीन शेड के नीचे इन आलू को पहाड़ी आलू का रूप दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि साइड में चिकनी मिट्टी रखी गई है और आलू की बड़ी संख्या में उन्हें फैला दिया गया है और एक के बाद एक ये मजदूर इन चिकनी मिट्टी को इन आलू में रगड़कर कट्टों में भर रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी से हमारे संवाददाता भगवत सिंह ने जब ये सब कुछ देखा तो उन्होंने अपने कैमरे में इसे कैद कर लिया। पहले जब इन मजदूरों को नहीं पता कि ये कैमरे में कैद हो रहे हैं, तब तक तो ये इन आलू को रगड़कर कट्टों में भरते रहे और जैसे ही इन्हें भनक लगी कि कैमरा ऑन है तो वे यहाँ से भाग निकले। चंडीगढ़ के सेक्टर 26 की सब्जी मंडी ट्राई सिटी की सबसे बड़ी सब्जी मंडी में से एक है। यहाँ पर ट्राई सिटी, चंडीगढ़, पंचकूला, मोहाली के लोग सब्जी खरीदने पहुँचते हैं। ऐसे में उन सभी लोगों को जागरूक रहने की जरूरत है कि उन्हें पहाड़ी आलू के नाम पर लोकल आलू बेचा जा रहा है और ये सब कुछ बड़ी ही चालाकी के साथ किया जा रहा है, जिसमें ग्राहक भी फंस जाता है और उसे भी ये पता नहीं चलता कि आखिरकार कौन सा आलू पहाड़ी है और कौन सा लोकल आलू है। वहीं पहाड़ी आलू के नाम पर महंगे दाम में ग्राहकों को ये सब्जी वाले धोखा दे रहे हैं और ग्राहकों से ज्यादा पैसे ऐंठ रहे हैं। सेक्टर 26 की मंडी में मार्केट कमेटी है और मार्केट कमेटी को इस दौर ध्यान देना चाहिए। समय समय पर प्रशासन को भी इस दौरान छापेमारी करनी चाहिए ताकि लोगों के साथ हो रहा ये धोखा ना हो और लोगों तक साफ और अच्छी सब्जी ही पहुँच सके। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट।